ये ले, बात कर। माँ आप यहाँ मत आना। मारो हरू, मारो। ये बहुत ही गंदे अंकल है, आप तो पुलिस को बता देना या फिर आप डैड को फोन कर दो, वो अभी आ जाएंगे। मारो बेटा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं यही हूँ, बिल्कुल डरना मत, ठीक है? मैं आ रही हूँ। और कुछ किया तो नहीं ना इन्होंने तेरे साथ? मारा नहीं ना तुझे? कुछ नहीं किया ना? अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, अगर ये मारते तो मैं छोड़ती ही नहीं। मैं सिर्फ नाटक में झांसी की रानी नहीं बनती, मैं सच में झांसी की रानी हूँ। वाह, क्या स्पीच दी है। माँ, मेरी चिंता मत करना। ए, चुप। आई झांसी की रानी। सुन ली अपनी बेटी की आवाज, है ना हिफाजत से जिंदा, तो अब आगे भी हंसती बोलती जागती रहे। इसके लिए तू जल्दी से जल्दी आ जाना, क्योंकि अगर तूने आने में देर करी तो कहीं इसको तेरे देर से आने की सजा ना भुगतनी पड़े। और हाँ, पुलिस को खबर करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तब पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। दी दी, तुझे पता है ना, ये हैवान है एक नंबर का, पागल हो गया, इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं शालू, तूने सुना नहीं उसने क्या बोला? पुलिस के पास नहीं जा सकते, वरना पता नहीं पारो के साथ क्या करेगा वो। वो कुछ नहीं करेगा, डरपोक है एक नंबर का, सिर्फ धमकी दे रहा है। उसे डरना नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। अभी बोला ना कि वो हैवान हो गया, उसका दिमाग घूम गया, वो पागल हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। और अभी पारो की जान खतरे में, वो पारो के साथ कुछ भी कर दे, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। अभी बस पारो के पास जाना है, कैसे भी करके उसे बचा कर, उसके बाद वहां जाके देखेंगे जो भी करना होगा। मैं जा रही हूँ, मैं भी तेरे साथ ही आ रही हूँ। चल चल, लक्ष्मी आ रही है, चल मैं देख के आता हूँ कि दूसरी तैयारी हो गई कि नहीं। दूसरी तैयारी? अरे भाई, कौन सी तैयारी करनी है दूसरी आपको? ओए गंदे रंजीत अंकल, अगर आपने मेरी माँ को कुछ किया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं, क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती है तू। पहले तू खुद को तो छुड़ा के दिखा। बिट्टी बैठी रह चुपचाप, हिलना नहीं। डैड क्या करो, जल्दी आओ ना, माँ को आपको ही बचाना पड़ेगा। अभी तक ऐसी कोई जगह तो दिखाई नहीं दी है। मैं धोने ने टेंशन में आके रास्ते में गलत नहीं बता दिया मुझे, या फिर मैं ही रास्ता भटक गया? तो काम करता हूँ, आगे जाके देखता हूँ। यही है वो जगह जहाँ उन्होंने पारो को छुपाया। दी, रुक 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 रुक, एक मिनट रुक रुक। दी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें एक प्लान के बारे में सोचना चाहिए। तू पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है? मेरी बात तो सुन अच्छे से, हमें ना कोई रास्ते के बारे में सोचना चाहिए, कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जहाँ से हम भाग निकल सके, उसके बाद उस रंजीत के साथ निपट लेंगे, ठीक है? क्यों पर मारो है अंदर शाली? दी दी, मैं समझ रही हूँ, पारो है अंदर, कुछ नहीं होने देंगे हम पारो को, पारो सही सलामत हमारे साथ घर वापस आएगी, ये मेरी गारंटी है। और वैसे भी दी, ये रंजीत का इरादा कुछ और ही है, उसने किसी और ही मतलब से पारो को किडनैप किया। तुझे याद है उसने होलिका दहन के दिन क्या किया था? वो फेरी ले रहा था तेरे साथ, और ऐसा कोई तब करता है जब उसे शादी करनी हो। उस दिन भी वो तुझसे शादी करने की कोशिश कर रहा था, और आज भी मैं बोल रही हूँ, वो पारो को मोहरा बना के वो ब्लैकमेल करेगा, तुझसे शादी करना चाहेगा, लेकिन तुझे डरना नहीं है दी। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।